और अब बड़ी खबर कैथल से आ रही है, जहां मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा है। अमरगढ़ गामड़ी में मोबाइल टावर पर यह शख्स चढ़ा था। सुबह 8:30 बजे टावर पर शख्स चढ़ा था, नशे में बताया जा रहा है ये शख्स। सिविल लाइन SHO समेत पुलिस टीम मौके पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कैथल से। और ये देखिए तस्वीरें भी हैं इस शख्स की जो कि मोबाइल टावर पर चढ़ा था। अमरगढ़ गामडी में मोबाइल टावर जिस पे ये शख्स जो है वो चढ़ गया, लेकिन क्यों ये चढ़ा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सुबह 8:30 बजे टावर पर ये शख्स जो है वो चढ़ा था। और जानकारी देखिए ये भी सामने आ रही कि जो शख्स है वो अभी भी इसी टावर पर चढ़ा हुआ है, नशे में ये शख्स बताया जा रहा है। तो फिलहाल सिविल लाइन SHO समेत जो पुलिस की पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची हुई और लगातार ये कोशिशें हो रही कि ये जो शख्स है वो नीचे उतरकर आ सके। ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी आपके सामने कैथल से हम दिखा रहे हैं। और ये मोबाइल टावर है और देखिए लाल सर्किल में आपको दिखा रहे हैं कि वही शख्स जो कि नशे में बताया जा रहा है ये टावर पर चढ़ा हुआ है। ये मोबाइल टावर है जिस पर ये शख्स चढ़ा है। अमरगढ़ गामडी में मोबाइल टावर पर ये शख्स चढ़ा था। सुबह 8:30 बजे से देखिए ये अभी तक इस टावर पर ही चढ़ा हुआ है। इसकी परेशानी क्या है, ये क्या मांग कर रहा है, क्यों ये चढ़ा है टावर पर, इसके बारे में अभी जो जानकारी है वो आना बाकी है। फिलहाल नशे में ये शख्स बताया जा रहा है। सिविल लाइन के जो SHO हैं और जो पुलिस की पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, इस टावर के नीचे ही मौजूद है। लगातार बातचीत की जा रही है इस शख्स से और यही अपील है इस शख्स से कि वो नीचे आ जाए। सूचना मिली थी लगभग 9:45 बजे के आसपास मिली थी, ERV की कॉल थी। थाने में जैसे ही सूचना मिली तो हम मौके पे आ गए थे और मौके पे आके जैसे पता किया तो ये इसका नाम महावीर है, देवीगढ़ रोड का रहने वाला है और फादर का नेम ईश्वर सिंह है इसके। और ये पहले भी 15-20 दिन पहले भी क्योड़क टावर है कोई, वहाँ भी ये चढ़ा हुआ था और वहाँ भी 2 घंटे बाद ये काफ़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद खुद ही नीचे उतरा था। अब भी हम इसको वैसे भी आवाज़ बुल से भी बुला रहे हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए नीचे, पर अभी तक तो कोई उसका ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो देखिए ये तस्वीरें जिस शख्स की हैं उसके बारे में जानकारी ये भी सामने आई है कि वो इससे पहले भी एक और टावर पर चढ़ चुका है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधे सहयोगी वीरेंद्र पुरी का। वीरेंद्र, अभी कैसे हालात बने हुए, क्या ये शख्स टावर से नीचे उतरा है या फिर नहीं, और इसकी वजह क्या है, क्या ये मांग कर रहा है और अपनी मांग को लेकर क्यों ये चढ़ा है मोबाइल टावर पर? देखिए साक्षी, ये जो शख्स टावर पर चढ़ा है इससे पहले गांव क्योड़क में भी 15-20 दिन पहले टावर पर चढ़ा था और लगभग 2-3 घंटे के बाद अपने आप ही टावर से नीचे उतरा था। अगर बात करूं ये नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है और आज भी ये लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास ये टावर पर चढ़ा था और फिलहाल अब तक ये टावर पर ही है और इसने नशा किया हुआ है। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो नीचे है और इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस की टीम ऊपर चढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर छलांग ना लगा दे या किसी प्रकार की कोई क्षति किसी को ना पहुंचा दे, तो इस वजह से पुलिस नीचे खड़ी है और कोशिश कर रही है कि ये नीचे उतरे। नशे में धुत है फिलहाल ये, पहले जैसे कि ये शख्स टावर के ऊपर खड़ा था, उसके बाद वहां एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर धूप में ही ये लेट गया था, लेकिन पुलिस मशक्कत कर रही है ताकि इस शराबी को नीचे उतारा जाए जा सके। साक्षी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र इस खबर के बारे में जानकारी हमको देने के लिए।